हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और फिर से आप सबका स्वागत है गीके बाइट के और एक वीडियो पे। आप में से बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करते होंगे और आप लोगों को पता ही होगा कि SEO होता क्या है। अगर आपका ब्लॉग है वर्डप्रेस पे और अगर आप पोस्ट लिख रहे हो तो उसमें डालना पड़ता है हेडर टैग्स। वो हेडर टैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है गूगल के लिए, क्योंकि आपका साइट को क्रॉल करना पड़ता है या फिर अगर आपको साइट को रैंक करवाना है तो प्रॉपरली हेडर टैग्स डालना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे थीम्स है जो ऑटोमेटिकली आपका टाइटल के लिए हेडर टैग्स नहीं डालता, और आपको तो मालूम ही है आपका टाइटल पे हेडर टैग होना बहुत ही ज़रूरी है, और भी H1 टैग। तो इस वीडियो पे मैं बात करूंगा कि कैसे आप ऑटोमेटिकली आपका थीम का कोड चेंज करके ऑटोमेटिकली आपका टाइटल पे हेडर टैग डाल सकते हो, वो भी H1 टैग। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कैसे चेक करें कि कोई भी पोस्ट का टाइटल पे H1 टैग है या नहीं है। तो उसके भी दो मेथड है, एक है ऑनलाइन मेथड, एक है ऑफलाइन मेथड। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है ऑफलाइन मेथड। तो उसके लिए मैं क्रोम पे जाऊंगा और टाइप करूंगा अपना लोकल होस्ट का वेबसाइट जहां पे मैंने होस्ट किया वर्डप्रेस। तो उसके बाद क्लिक करेंगे कोई भी पोस्ट पे। फिर क्रोम का राइट साइड में जो तीन डॉट से उस पर क्लिक करेंगे और जाएंगे डेवलपर टूल्स पे। उसके बाद एलिमेंट पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैंने H2 सर्च किया और दिखा रहा है कि मेरा जो टाइटल है पोस्ट का वो H2 टेक्स्ट के अंदर है और लेफ्ट साइड में वही दिखा रहा, जबकि ये होना चाहिए H1, तब भी आपका गूगल आपका पोस्ट को प्रॉपरली रैंक कर पाएगा, प्रॉपरली क्रॉल कर पाएगा। तो देख लेते हैं कि क्या है ऑनलाइन मेथड जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पोस्ट का टाइटल पे H1 टैग है या नहीं है। तो ये हमारी लाइव वेबसाइट है geekbyte.in। तो आप जाओगे गूगल पे तो आपको बहुत सारा टूल मिल जाएगा जो चेक करेगा कि आपका टाइटल पे H1 टैग है या नहीं है। तो कोई भी लिंक ओपन कर लेते हैं। और उसमें डाल देंगे अपना URL। तो ये दिखा रहा है कि मेरा जो पोस्ट है उसका टाइटल पे H1 है, H2 भी है, H3 भी है। तो बात ऐसा है कि H3, H4 हो या ना हो, लेकिन H1 बहुत ज़रूरी होना और H1 होना चाहिए आपका टाइटल। तो अभी हमने चेक कर लिया कैसे चेक करते हैं H1 टैग्स को, आप उसको फिक्स करते हैं कैसे H2 से H1 में कन्वर्ट करना है। इसके भी दो मेथड है, एक आप कर सकते हो कि WP के एडमिन में जाके, या फिर आपका जो थीम का फाइल से उसको चेंज कर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे एडमिन भी करते हैं। तो इसके लिए मैं लॉगिन करता हूँ वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे। लेकिन जो मेरा सजेशन है कि आप अगर थीम का फाइल्स को चेंज करोगे तो बेटर रहेगा। तो लॉगिन कर लेते हैं एडमिन पैनल पे जो कि लोकल होस्ट पे है। फिर जाएंगे अपीयरेंस पे और थीम एडिटर पे। तो आपको राइट साइड में मिल जाएगा थीम फाइल्स, उसमें चेक कीजिए single.php। फिर वो फाइल्स में जितना भी आपका H2 टैग्स है या फिर H3 टैग्स है या फिर जो भी टैग्स है अपने टाइटल के लिए, उसको चेंज कीजिए H1 पे और फाइल को सेव कर दीजिए।
तो ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा जो मेथड है वो है आपका थीम का फाइल को चेंज करने का, तो मैं वो दिखा रहा हूँ अभी। उसके लिए हम जाएंगे wp-content पे, फिर जाएंगे थीम्स पे, फिर जाएंगे नीचे single.php। तो यहाँ पे भी सेम है, जितने भी आपका टाइटल्स का टैग है, H2 है, H1, H3 है, या फिर कुछ भी हो, तो उसको आप चेंज कीजिए H1 पे और फाइल को सेव कर दीजिए। तो सेव करने के बाद अगर आपका कैशे प्लगइन कुछ इंस्टॉल है तो कैशे को क्लियर कीजिए और फिर से आपका लिंक को आप चेक कीजिए, तो देखोगे कि आपका H2 कन्वर्ट हो गया H1 पे। तो चलिए फिर चेक करते हैं कि कन्वर्ट हुआ या नहीं। तो मैंने ये पोस्ट ओपन कर लिया और एक पोस्ट, और फिर से वही मेथड डेवलपर टूल्स पे चेक करेंगे एलिमेंट्स पे। तो जब मैंने सर्च किया H1 पे तो दिखा रहा है कि हमारा जो आर्टिकल टाइटल है वो कन्वर्ट हो गया H1 क्लास पे। तो अभी आपके ये पोस्ट प्रॉपरली रैंक होगा आपका गूगल पे और अच्छे से क्रॉल भी होगा। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, उससे थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, और अगर आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल बटन उसको दबा देना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।